अध्याय 9, दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद। पहला विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक पूरे यूरोप में व्याप्त था। इस महायुद्ध को मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के धरती, आकाश और समुद्र की सीमाओं में लड़ा गया। इसमें हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के आधार पर इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। यह युद्ध कई आने वाली मानवीय पीढ़ियों के इतिहास में एक ऐसे अनुभव के रूप में याद रखे जाने वाली घटना थी, जो अपने परिणाम के फलस्वरूप फिर से पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ा कर गई, जहां पूरी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई थी और विनाश का विभत्स मंजर धरती के हर देश में फैलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। पूरी दुनिया विचारधाराओं और अपने सामाजिक वर्चस्व को केंद्र बिंदु मानकर युद्ध के चक्रव्यूह के चारों ओर घूमने लगी, जिसमें उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और दक्षिणपंथ की विचारधाराएं प्रमुख थीं। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाह विचारधाराओं के विरुद्ध में थे। उदारवादी लोकतंत्र संवैधानिक रूप से सरकार के पक्ष में थी, जिसमें चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकार का गठन के पक्ष में थी जो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने, लेकिन इस संविधान में धनी वर्ग की प्रधानता मुख्य रही, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार प्रभावी रूप से हावी हो गया। लेकिन उदारवादी व्यवस्था उस देश में अधिक सफल रही जहां पहले से ही संपन्नता थी, जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।